हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मैं सृष्टि रचना को लेकर बात करना चाहूंगा। आजकल खासकर भारत में और प्रवचनों में, कथाओं में सृष्टि रचना को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, और पहले भी हालांकि बहुत सालों से कही जा रही हैं, मगर मेरे संज्ञान में अभी कुछ ज्यादा ही आ रही हैं, और काफी योगिक साइंस पर्सपेक्टिव से यदि बात की जाए तो बहुत भ्रामक है। भ्रामक इसलिए कि सृष्टि रचना को एक कहानी के रूप में और उनमें कुछ काल्पनिक पात्रों को डालकर सृष्टि रचना को बताया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे कबीर पंथ के एक दो संप्रदाय हैं और उनके शिष्यों को कुछ पुस्तकों द्वारा या प्रवचनों द्वारा सृष्टि रचना को लेके ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि काफी हास्यास्पद है। यदि हम योगिक साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आसमान और जमीन का फर्क है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम बच्चों को कुछ ज्ञान देते हैं तो बच्चों का ज्ञान तो बचकानी है, सिर्फ समझने के लिए, एक हिंट के लिए होता है, मगर जो उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है और जो रियल मतलब होता है वो धीरे धीरे बाद में समझ में आता है जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है। मगर मैच्योर व्यक्ति को बच्चों की तरह सृष्टि रचना समझाना कि ठीक नहीं। जैसे कबीर संप्रदाय के जो एक दो जो भी प्रवचन दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं बाबा लोग, जैसे वो सृष्टि रचना आरंभ करते हैं पूर्ण ब्रह्म से कि सबसे पहले कुछ भी नहीं था, एक पूर्ण ब्रह्म था, उसको अनामी पुरुष कह लीजिए, अलग पुरुष कह लीजिए, अगम पुरुष कह लीजिए। अगम पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष रहता है, अलग लोक में अलग पुरुष, सतलोक में सत पुरुष, इस तरीके से। उसके बाद सतपुरुष को सृष्टि रचना की इच्छा जागृत हुई तो उसने एक अक्षर पुरुष बनाया। फिर अक्षर पुरुष ऐसे तो बहुत बड़ा है, पता नहीं, कहते हैं असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है और वो भी विनाशी है, अविनाशी नहीं है, सत्पुरुष अविनाशी। फिर अक्षर पुरुष के बाद क्षर पुरुष बनाया गया और क्षर पुरुष को वो काल निरंजन कहते हैं, ज्योति निरंजन या काल निरंजन। जब काल निरंजन की बात करते हैं, मतलब कि समय की बात कर रहे हैं, जो समय का जो कॉन्सेप्ट है, एक होता है काल का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से या बुद्धि से काल को समझना, ये एक बात। दूसरी चीज है समय को, काल को तत्व से समझना, यथार्थ रूप से समझना, अनुभव के आधार पर समझना। तो ये दो बातें हैं काल के। तो कबीर पंथ के लोग काल निरंजन की बात करते हैं, काल निरंजन एज ए कैरेक्टर, कि एक काल निरंजन पुरुष थे, उन्होंने फिर तपस्या की तो जो सतपुरुष हैं वो खुश हो गए और उन्होंने कहा कि मांगो वरदान। तो उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि रचना करना चाहता हूँ और भी, तो मुझे कुछ जीवात्माएं चाहिए। तो वो खुश हो गए,
हालांकि जीवात्मा को देखो देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जीवात्माएं उस सतपुरुष के पास ही रहती थी, साथ में रहती थी, मगर कुछ जीवात्माओं की इच्छा हो गई तो जीवात्माएं वहां पे उनके साथ चली गई। और कैसे गई तो उसमें एक कहानी एक प्रचलित है कि सतपुरुष ने, जो पहली जीवात्मा थी जिसने एग्री किया था कि हाँ हमें जाना है, तो उसको नारी का रूप बनाकर भेज दिया, और नारी के अंदर ही जो और भी जीवात्मा जाना चाहती थी उसी के अंदर ही उसको स्थापित कर दिया। वो नीचे गई, और उसके बाद और भी कहानी है कि फिर जो काल निरंजन था, फिर इस नारी के साथ अट्रैक्शन हो गया, उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, और क्या 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 बहुत सारी चीजें हैं, पूरी कहानी। तो सृष्टि रचना को, मेरे कहने का मतलब ये है, सृष्टि रचना को इस तरीके से समझना, एक कहानी के रूप में और पात्रों के रूप में, कि पहले ए था, उससे बी पैदा हुआ, बी से सी पैदा हुआ, सी से डी हुआ, इस तरीके से सृष्टि रचना समझना बचकाना है। जहां तक काल की बात है, इसमें से जो इस एपिसोड में जो हम चर्चा चाहते हैं वो काल की चर्चा चाहते हैं कि टाइम है क्या। यदि हम काल को तात्विक रूप से समझें तो काल का मतलब होता है परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन जिसमें कि मेमोरी या संस्कार वो इन्वॉल्व होता है या अनुभव। यदि हम कुछ ऐसे लोगों की बात करें जो जिनको वाकई यथार्थ ज्ञान था, तो अनुभव को ही समय कहा गया है, मेमोरी इज टाइम। योगिक साइंस के अनुसार समय का प्रारंभ जब होता है जब जीवात्मा साकार के संबंध में आती है, साकार में जब उसका मूवमेंट होता है, उसके बाद समय शुरू होता है, काल। योगिक साइंस में जो हमने 5 अविनाशी तत्वों की बात की, कि उन 5 अविनाशी तत्वों के प्रेजेंस से ही आगे समय की जो सृष्टि रचना है वो शुरू होती है। योगिक साइंस में जो प्रथम सिद्धांत है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट इज नॉन डुअल एनर्जी, जो मूल है, उसके अंदर वो नॉन डुअलिटी का मतलब ये होता है कि इट डज नॉट नो अदर्स, उसके अंदर दूसरे कोई भाव नहीं है, ना कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। हाँ चेतनता है, ज्ञान नहीं है, चेतनता बिना ज्ञान के। फिर मूल के बाद जो उसका कार्य रूप है, उस कार्य रूप में 5 चीजें हैं, एक परमात्मा जिसको शुद्ध चैतन्य कहें, फिर प्रकृति, और प्रकृति के अंदर जो 3 कंपोनेंट है प्रकृति के, तो 3 तत्व हैं, साकार, निराकार और बीच में जीवात्मा। अब ये जो 5 चीजें हो गई, ये अविनाशी है, यहाँ पे काल का कोई, देर इज नो सेंस ऑफ टाइम, काल का कोई अनुभव नहीं, काल है ही नहीं, देर इज नो सेंस ऑफ टाइम, देर इज नो सेंस ऑफ स्पेस, बट देर इज डायनेमिज्म, कार्य रूप है मगर अपरिणामी है, कोई तो परिणाम नहीं है, कुछ तो सॉलिड में कुछ परिणाम नहीं दिख रहा है, एक्शन है। तो यहां तक जो है, इस स्थिति तक देर इज नो टाइम, कोई काल नहीं है। काल तो जब स्टार्ट होता है जब जीवात्मा परमात्मा के शब्दों का सहारा लेके और साकार में जाके जब सृष्टि रचना आरंभ करती है। और सृष्टि रचना क्या,
टाइम जो है, काल जो है, वो जीवात्मा का अनुभव है, साकार में जो भी क्रियाकलाप कर रही है, चीजों को लेने का और चीजों को छोड़ने का, जीवात्मा यही करते हैं, यही जीवात्माओं का काम है। कोई भी जीवात्मा हो, चाहे वो छोटा से छोटा अमीबा हो, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, कोई सा भी आप देख लीजिए, और यहाँ पे सिर्फ जीवात्माएं हैं और कुछ नहीं है। इनका एक ही काम है कि चीजों को इकट्ठा करना, पोषित करना, अपने आप को डेवलप करना, ठीक है, फिर छोड़ देना, जब मर गए छूट गए सारी चीजें, फिर इकट्ठी करने लगे। तो ये जो चीजें, जो क्रियाकलाप है जीवात्माओं के, और इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप जो उसका अनुभव इकट्ठा है, उसको समय कहते हैं। वहां से काल स्टार्ट होता है। सबका काल अलग अलग है। मेरा समय अलग, ए का समय अलग, बी का समय अलग, सी का समय, जितने भी जीवात्माएं हैं, हो सकता है कोई ऐसे जीवात्मा हो जिसका समय बहुत बड़ा हो, करोड़ों साल हो, अरबों साल हो, बहुत बड़ा समय। हमारा समय 70 साल का है। हो सकता है कोई कोई इंसेक्ट हो, उसका समय सिर्फ 1 साल का हो, 1 साल तक उसने चीजें डेवलप की और फिर खत्म। फिर हो सकता है किसी कोई ऐसा चीज हो जिसका समय सिर्फ 1 दिन हो, 1 मिनट हो, 10 सेकंड हो। तो काल के तत्व को जानना ये अलग बात है कि काल है क्या। तो जो जीवात्माओं का अनुभव है, अनुभवों का इकट्ठा होना है, उसे काल कहते हैं। और ये सिर्फ जो आध्यात्मिक चिंतक हैं, जो मनन करते हैं, जो थोड़े साधक हैं, उनका ये अनुभव नहीं है, ये हमारे साइंटिस्टों का भी अनुभव बन चुका है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट हैं, डोनाल्ड हॉफमैन। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं, पर उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे, बहुत ही अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड हॉफमैन के अनुसार, व्हाट इज टाइम, डोनाल्ड हॉफमैन कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे एग्जिस्टेंस में, जो पूरा एग्जिस्टेंस में जो भी रचना हो रही है, जो चीज भी एक्टिविटी हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द जीवात्मा और कॉन्शियस एजेंट्स। हॉफमैन उसे कॉन्शियस एजेंट्स बोलते हैं। हम योगी साइंस के माध्यम से उसको जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा तो बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह जीवात्मा बोला जाता है। तो कॉन्शियस एजेंट्स बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि इन कॉन्शियस एजेंट्स के कारण ही हमें समय और दिशा या देश, टाइम एंड स्पेस का ज्ञान होता है, इन कॉन्शियस एजेंट। और ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। आइंस्टीन ने भी कहा है कि टाइम इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। समय कोई बाहर नहीं है किसी ऑब्जेक्ट से, या कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है समय। समय इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, अंदर की चीज है समय। तो तत्व से समय जो है, जो भी हमारा अनुभव है, वो समय है। जैसा अनुभव है उतना ही बड़ा हमारा समय। तो इसमें पूरे ब्रह्मांड में समय की यूनिटें हैं, अलग अलग यूनिट। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जैनिज्म में, जैन परंपरा में, भगवान महावीर ने आत्मा को समय कहा था। एक किताब भी है जैनिज्म में, उसको बोलते हैं समय सार। तो आत्मा को समय कहा। समय क्यों कहा है? क्योंकि समय का अनुभव आत्मा को ही हो रहा है, और किसको समय का अनुभव नहीं है, ना साकार को है, ना निराकार को है, ना परमात्मा की जो एनर्जी है, जो शुद्ध चैतन्य है, उसको है। मेमोरी वाले समय की बात करता हूं, सिर्फ जीवात्मा को है। तो जैनिज्म में भी यही कहा गया कि जो जीव, जीवात्मा और समय एक ही चीज। तो मेरे कहने का मतलब यह है इस एपिसोड के माध्यम से कि काल के तत्व को जानना एक बात,
और काल को या काल निरंजन, ज्योति निरंजन, ये बड़े बड़े कैरेक्टर क्रिएट करके, अपने आप मैन्युफैक्चर करके लोगों को भ्रमित करना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और आगे समय पे, प्रकृति पे, परमात्मा पे हमारा आदरणीय शर्मा जी प्रकाश डालेंगे। इसमें योगिक साइंस के माध्यम से अगर मेरे अनुभव से बात करें तो ये है कि समय को कहाँ से किसको अनुभव हो रहा है, ये तो आपने सही बताया। और लोगों ने जो जिस तरीके से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं किसी को करेक्टर बना के, वो उनके अपने विचार हैं, मगर हमारा वो सिद्धांत नहीं। हम तो एक योगिक सिद्धांत के माध्यम से एक करेक्ट एक्यूरेट पे बात करना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें स्थूल शरीर भी है, निराकार भी है, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें नाशवान, हम उसको नाशवान कहते हैं कि जो चीज बदल रही है, मगर जो बदल रही है अगर उनकी यथार्थ स्थिति हम देखेंगे तो वो भी अविनाशी है योगिक साइंस के माध्यम से। और वो मैं वो उसपे थोड़ा प्रकाश भी डालूंगा कि वो कैसे अविनाशी है। पहले अविनाशी चीजें देख लेते हैं कि हमारे जो शरीर में है, शरीर को अगर हम देखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का हर हर चीज, हर ब्रह्मांड की जो स्थिति है ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के बाहर और परमात्मा स्वयं और स्वरूप में, जहां जहां जो कुछ भी है वो सब हमारे शरीर के अंदर में उसके कोई न कोई बिंदु मौजूद है, चाहे वो निराकार है, चाहे साकार है, स्थूल है या परमात्मा है, वो सब है। तो इससे एक बात साबित हो गई कि शरीर के अंदर हर चीज मौजूद है। तो अब हम शरीर पे बात कर नहीं करके थोड़ा बाहर निकल के बात कर लेते हैं। इसमें जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में दो भाग हैं, जो भी सत्यन जी ने बताया कि पांच तत्व हैं और वो अविनाशी है, ये बिल्कुल सही है, ये वो पांच तत्व हैं जो अविनाशी स्थिति है ये। अब मैं इससे भी ऊपर थोड़ा गहन बात करना चाह रहा हूं कि जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जो इस प्राकृतिक में नहीं है मगर उसकी शक्ति यहाँ अवेलेबल है, वो नहीं मौजूद है, वो यहाँ किसी जीव आत्मा में अगर प्रकट होएगा तो जीव आत्मा के अपने ही उसमें प्रकट होगा, जहाँ वो केंद्रित है और वो शरीर धारण किए हुए है उसी में ही प्रकट होता है वो, मगर अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ मौजूद नहीं। वो उसके तीन बहुत पहले मैंने बताया था, वो अविनाशी, उसके तीन गुण हैं। एक वो जब अपनी चाल चलाता है तो एक वो बिल्कुल स्लो चाल चलती है चलाता है, दूसरी उसकी चाल, ये उसकी निर्माण की चाल है प्राकृतिक में, और दूसरी उसकी चाल सामान्य है जो उसकी जीवन की, जीवन चलाने की प्राकृतिक में चाल है उसकी, ये गुण है। और तीसरी उसकी फिनिशिंग वाली, वो बहुत तेज गति से चलता है। तो तीन उसमें गुण है परमात्मा में। उसकी इसमें चाल में एक शब्द उत्पन्न करता है, दूसरा शब्द तेजी से गिरने के कारण, ऊपर से नीचे की ओर गिरने के कारण उसमें एक प्रकाश होता है। तो ये दो तत्व तो समझो, ये दो तत्व तो समझो। और वो तो प्राकृतिक के सामने की तरफ से गिर करके और ऊपर की तरफ से जो पीछे से उठता है, उसको आप ये दो पी से समझो, ये उसके दो तरीके हैं या दो तत्व तो समझो। और उसमें एक जो घनत्व का जो चुंबकीय सिस्टम है, जहां से वो मोड़ खाता है, तो वो चीज है जो, तो ये पांच तत्व तो उसमें हम बता रहे हैं और हम कह रहे हैं, मगर इनका प्रमाण भी हम कबीर जी के एक दोहे में देना चाहेंगे, ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल कबीर जी ने भी वही सेम बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि तीन गुणन पर तेज हमारा,
अब पांच तत्व पे ज्योति जलेगी, ये बात अविनाशी है। फिर वो कह रहे हैं कि जिनका उजाला 14 लोक में, अब ये आ जाओ, ये यहां उजाले की बात करी तो ब्रह्मांड में आ गए। फिर वो अपनी बात फिर से रख रहे हैं कि ब्रह्मांड के नीचे से निकल करके, और वो परमात्मा जब ऊपर की ओर जाता है, इतने में ब्रह्मांड भी चल लेता है, परमात्मा को भी चलना है साथ में। तो सुरति डोर आकाश चले, ये गगन की बात कर रहे हैं, वो आकाश की बात कर रहे हैं। आकाश हमारे शरीर में भी है, हम हमारी शरीर में वो भी स्थिति है। तो वो सुरति डोर आकाश चले, अगर उसको नॉलेज नहीं होती कि मुझे कहाँ जाना, तो वो उस जगह पे पहुंच नहीं पाती, क्योंकि इस वक्त दोनों रन कर गए, चलते हैं, ब्रह्मांड भी चलता है और परमात्मा भी साथ ही चल रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए, और उसको अंडाकार घुमा रहा है स्पेस में। तो ये एक जो तीन गुण और ये पांच तत्व, ये अविनाशी हैं और परमात्मा के हैं। इसमें आपके ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं, इसमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मगर यहाँ जो सत्वगुण तमोगुण है, ये तीन गुण जो ब्रह्मांड के हैं, ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। पांच तत्व तो पृथ्वी जल आकाश वायु, ये भी आपस में कन्वर्ट होते हैं। तो इन्हें हम बदलते समय पे तो नाशवान समझते हैं, मगर जब हम इनको बहुत गहराई से दृष्टि में देखेंगे तो हर चीज स्थापित है, बदलती नहीं है। सिर्फ जीव आत्मा की जो चेतन्यता है, उसके प्रकाश से ये चीजें, जब उस पे उनका प्रकाश पड़ता है, तो ये चीजें उसको नॉलेज में आती हैं, दिमाग में आती हैं। इससे टाइम उत्पन्न होता है, जीव को टाइम। आपने भी सत्यनारायण जी ने बताया था कि जीव ही अपने में टाइम, जीव को टाइम का ज्ञान होता है। किससे हुआ है? तो मन बुद्धि चित्त अहंकार किसी से करो, टाइम का ज्ञान जीव को ही होता है। अगर किसी से वो इसकी मन बुद्धि चित्त नहीं टकराए तो टाइम नहीं होता है। मगर ये सब कहाँ होता है? साकार में होता है। जीव जब निराकार ऊपर है, साकार नीचे की तरफ है, ब्रह्मांड में दो पीस है, दो भाग में दो चीजें हैं, तीसरा भाग अपने आप जीव है। तो ये जब जीव इस वक्त साकार में और निराकार में ये रन कर रहा है, तो उस वक्त ये सब चीजें अपने प्रकाश से बनाता हुआ महसूस होता है कि उसने बनाई है, बनाई नहीं है, ये तो बनी हुई चीजें थी, बनी हुई पे ये उसका चेतन टकराता, इसलिए वो चलती ही नजर आ रही है। ये एक वास्तविक ज्ञान है, मगर वो ज्ञान उस तरीके का नहीं है। ये इस तरीके का एपिसोड जो समय का बनाया गया और जीव का बनाया गया, परमात्मा का बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि ताकि यथार्थ चीजें पता चले कि वास्तव में योगिक साइंस क्या कह रही है, कबीर जी क्या कह रहे हैं, बाकी शास्त्र क्या कह रहे हैं। कबीर जी बिल्कुल परफेक्ट वाणी कह रहे हैं, मगर उनको समझने वाले जो उनके संत महात्मा यहाँ इस वक्त इस भारतवर्ष में, वो लोग इस तरीके का ज्ञान नहीं, उनकी परिभाषा नहीं ऐसी बता पाते, जो उन्हें ज्ञान होना चाहिए इस तरीके का, अनुभव वाला ज्ञान वो नहीं है उनमें, इसलिए वो ये कहानी रच डालते हैं। इसमें मुझे इसमें एक बात और अभी कहनी है, जो टाइम से नहीं है मगर आपके और हमारे जन्म मृत्यु से है। मुझे ये कहना है इसमें कि अगर जीव जो शरीर में बैठा है, ये पूरे 84 योनि का जो बात कर रहे हैं, 84 योनि हमारे शरीर में ही है और वो लगातार बदल रही है, हर चीज बदल रही शरीर के अंदर, और पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में है। तो जीव आत्म जीव जो जीव है, जीव आत्मा, वो साकार निराकार के ब्रह्मांड में सेंटर में है। तो जब ये साकार में स्थूल शरीर बनाती है, तो इसमें निराकार भी होता है। तो इसमें निराकार को वो
बिल्कुल किनारे तक ऊपर नहीं छोड़ पाता, उसे जीव इतना रन करके ले जाता निराकार को कि वो ऊपर किनारे में जाकर के उसे छोड़ता, ताकि वो किनारे से ब्रह्मांड को पार करके अपार ब्रह्म में लीन हो जाती। ऐसा नहीं कर, हो नहीं पाता ऐसा। सेंटर में रखता है, सेंटर हमारे शरीर का हृदय है, नाभि सेंटर है स्थूल का और निराकार का हृदय सेंटर है, तो ये सेंटर में रखता है, हृदय में निराकार को सिकुड़ता है, जाता आता नहीं, सिकुड़ता है और फुलाता है, फुलाता है तो संसार होता है, सिकुड़ता है तो मर जाते हैं। तो ये हृदय में सिकुड़ता निराकार को, नाभि में सिकुड़ता है स्थूल को, ये मूलाधार में नहीं ले जाता स्थूल को, और ऊपर ये भंवर गुफा में जो हमारे गगन मंडल में है यहां नहीं ले जाता ये। तो इसमें जो काल निरंजन की बात करते बार बार आज्ञा केंद्र पे कि यहां तक काल निरंजन है, वो जाने, मगर यहां तो मैं योगिक साइंस से और मेरा अपना जो अनुभव है, मैं कोई भी तथ्य उसी के हिसाब से ही उतना ही बोल सकता हूं जितना मेरे को अनुभव है, उससे आगे मैं किसी की टिप्पणी कोई नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इसमें यही कहना है, बाकी विषय सत्येंद्र जी आपको बताएंगे और इंग्लिश में बता दो। सो फ्रेंड्स, बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम, आई मीन एक्चुअली राइट, नॉट बाय रीडिंग और यू नो बाय लिसनिंग समबडी टेलिंग अबाउट टाइम, दैट आल्सो by manufacturing character. Okay, time is not a character. Okay, that time does something and something is produced. Okay, so these are just a metaphor. They indicate something, but they are not the actual thing. So we need to understand what exactly it is from our own experience. Although not the normal experience, because experience is also a time, right? But we need to have realization. We need to have an insight. And the insight will take place if we work hard on ourselves. Only by being a follower blindly does not serve any purpose. So I would request all those people not to waste their time. And rather than believing in these stories about time and about this purush, that purush, they should work hard on their own life. I mean, there is a method called the exploration of oneself, self-awareness. Who am I? Right? So this will be more beneficial in order to discover the reality. So with this, I'm wrapping it up, this episode, and hopefully next time I'll come up with a new topic, which will be controversial. Thank you very much.